हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग 69। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैकेट का अस्तर कैसे बनते हैं, तो वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये बैक पल्ला है, मतलब अस्तर का बैक पल्ला, और ये चांद है। पहले इसको सिल लेंगे, पहले ऊपर से सिल लेंगे, उसके बाद नीचे से पक्का सिलेंगे। फोल्ड करके लब का चाप देकर सिलेंगे। हो गया दोस्तों, अब इसके बाद प्रैन में एक पॉकेट बनेगा। ये प्रैन है, इसमें एक तो पॉकेट लगेगा, तो पॉकेट बना के दिखा रहा हूँ आपको। और इसको चिपका देंगे ऊपर से। आइडिया करके बाजू जो है कांधी वहां से चिपका देंगे, साइड से 1.5 इंची छोड़ के। इसको भी फोल्ड करके चारों तरफ से चिपका देंगे। हो गया दोस्तों, उसके बाद कांधी मारेंगे, जिसमें चांद लगाया था बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है। कांधी का सिलाई हो रहा है दोस्तों, कांधी का सिलाई हो गया। आप धागा निकल रहा है, अब बाजू लगाएंगे दोस्तों साइड में। बाजू को ऐसे करके चारों तरफ से लगा लेंगे। दूसरे पल्ला में भी, मतलब साइड में भी लगाएंगे बाजू। दोस्तों जैकेट फुल ट्यूटोरियल का ये मेरा 7 नंबर शायद वीडियो है, तो पूरा जैकेट का मैं ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट करके। तो आप अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखे है तो जाके देख सकते हो। फ्रंट का, बैक का, बाजू का, टाकाई कैसे लगाए और कट पॉकेट कैसे बनाया, बाकी बेल मोड़ी का, रिप और चैन कैसे लगाया, वो सब कुछ वीडियो डाल दिया मैं, तो जाके दोस्तों देख लेना अगर नहीं देखे तो। हो गया दोस्तों, आप इसको चारों तरफ से साइड मार लेंगे, बस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जैकेट के बारे में कुछ सवाल करना है तो कमेंट करना ज़रूर। बाकी वीडियो को दोस्तों शेयर करना, और मेरा छोटा चैनल है दोस्तों, चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।
ऐसे करके एक तरफ का साइड मार लिया और दूसरे तरफ का भी साइड मारेंगे। देखो दोस्तों, दूसरे तरफ का भी साइड मार लेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो ऐसा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना। ये सीधा के दिखा रहा हूँ, ये देखो दोस्तों ऐसे करके बनेगा, ये देखो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।